आस्था पर कोरोना वायरस का कहर भारी पड़ता दिख रहा है। सावन के पवित्र माह में क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों को बंद करा दिया गया है, जिस कारण महिला श्रद्धालुगण मजबूर होकर मंदिर परिसर के बाहर ही पूजा अर्चना करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सावन माह के पहली सोमवार में क्षेत्र के सुप्रसिद्ध बाबा जेठोरनाथ महादेव मंदिर, बाबा पन्नियानाथ महादेव मंदिर, मुढ़ियानाथ महादेव मंदिर आदि मंदिरों में श्रद्धालुगण पूरी श्रद्धा से मंदिर परिसर के बाहर पूजा अर्चना करते दिख रहे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन माह में ही समुद्र मंथन हुई थी, जिससे निकला विष भगवान शंकर ने पी लिया था, जिसे शांत करने के लिए प्रत्येक वर्ष सावन माह में लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण भगवान शिव को जलार्पण करते हैं। वहीं सावन माह के प्रत्येक सोमवार के दिन हजारों की संख्या में अमरपुर क्षेत्र के हरेक गांव के ग्रामीण महिलाएं उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज से जल भरकर पैदल डाक बम की शक्ल में अमरपुर क्षेत्र में स्थित सुप्रसिद्ध बाबा जेठोरनाथ महादेव मंदिर में आकर भगवान शिव को जलार्पण करते थे। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देवघर समेत सभी मंदिरों को बंद करा दिया गया है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि आज हाट परिसर में हजारों की संख्या में भीड़ रहती है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है, लेकिन बिहार सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई करने की नहीं सोच रही है, बल्कि गांव कस्बे में स्थित छोटे छोटे शिवालय बंद कराकर खानापूर्ति करने में लगे हुए हैं। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के महोता गांव में स्थित प्रोन्नत मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा दिलाने के बाद राशि आवंटन नहीं करने के विरोध में मातृशक्ति एवं छात्र छात्राओं ने सोमवार के दिन विद्यालय परिसर में आमरण अनशन का आयोजन किया। अनशन का नेतृत्व पंचायत के पूर्व मुखिया मृत्युंजय शर्मा एवं समाजसेवी शंभु शर्मा ने किया। मौके पर मुखिया ने बताया कि बांका जिला में 58 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया है, जिसमें मोहता गांव स्थित मध्य विद्यालय भी शामिल है। विद्यालय में ब्रेंच डेस्क, शौचालय आदि निर्माण के लिए राशि राज्य सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मोहता विद्यालय को छोड़कर सभी विद्यालय को राशि निर्गत कर दिया गया है। मौके पर अनशन स्थल पर बैठी संजू देवी, मधु देवी, विमल देवी, पूजा देवी, सुदमो देवी, कौशल्या देवी, प्रभा देवी, छात्रा साक्षी कुमारी, वर्षा कुमारी, दिलखुश कुमार, धीरज कुमार, किरण कुमारी, सौंदली कुमारी आदि ने बताया कि हमारे गांव में महोदलित, कोयरी, कुर्मी आदि जाति के हजारों की संख्या में परिवार रहते हैं। हम लोगों को नवीं वर्ग में पढ़ने के लिए पैदल चलकर अमरपुर जाना पड़ जाता है, जिस कारण कई छात्र छात्राएं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। गांव के स्कूल को उच्च विद्यालय का दर्जा मिलने के बाद हम लोगों को काफी खुशी हुई है कि अब हम लोग आगे की पढ़ाई गांव में ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के कारण अब तक विद्यालय को राशि निर्गत नहीं किया गया है। इन्होंने बताया कि जब तक हमारे विद्यालय को राशि निर्गत नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम लोग अनशन जारी रखेंगे। अनशन की सूचना मिलते ही बांका एसडीओ मनोज कुमार चौधरी के निर्देश पर अमरपुर सीओ सुनील कुमार साह थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक अर्जुन सिंह दलबल के साथ अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशन पर बैठी महिलाएं एवं छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अनशनकारी अपने मांगों पर अडिग रहते हुए शिक्षा पदाधिकारी को अनशन स्थल पर बुलाने की मांग करने लगे। वहीं अस्पताल परिसर में डॉक्टर सूरज कुमार शर्मा अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों का बीपी जांच किया। सूचना मिलने पर प्रखंड पदाधिकारी शिव नारायण ठाकुर, एसडीपीओ उपेंद्र शाह अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों को बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का ट्रांसफर हो गया है, जिस कारण राशि निर्गत करने में थोड़ी देरी हो रही है। इन्होंने 15 दिन के अंदर विद्यालय को राशि निर्गत करने का आश्वासन देते हुए अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। डीओ साहब का स्थानांतरण हो चुका है, नए डीओ साहब का पदस्थापन हुआ है। नए डीओ साहब के योगदान के उपरांत इस पर निर्णय होगा, और इसी क्रम में एक वर्ष का समय इन लोगों से लिया गया है। एक सप्ताह का, एक 15 दिन का, 15 दिन एक पखवा परिवार और छे, हमरा खाना खर्ची नहीं मिले, तो मतलब
बच्चा बुतरू का कॉलेज पढ़ावा पर भागलपुर में जाकर बकौम जाकर हमरा सनी गरीब सफीर छे हमरा सिख कहियो अपर का पैसा सरकार दे दल छे यहाँ रोक लगेल छे अगर हाई स्कूल यहाँ नहीं देते तो हमरा सनी वोट दे में रोक लगे सरकार से लड़ा पा रहा हमरा राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में जो विद्यालय उच्च विद्यालय विहीन है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय होगा जिसमें अमरपुर के ग्राम पंचायत भीकनपुर में महोता का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया गया और आज दिन तक जबकि मध्य विद्यालय महोता के ऊपर कहीं से कोई रोक भी नहीं है और आज दिन तक डीओ और डीपीओ के द्वारा जानबूझकर मध्य विद्यालय महोता के राशि को रोके हुए है और उसके बाद हम लोगों ने लगातार जिला पदाधिकारी से लेकर राज्य के गृह सचिव से लेकर मुख्य सचिव को तक सभी को हमने आवेदन दिया कि मेरे विद्यालय का राशि रिलीज कर दिया जाए। प्रदेश के द्वारा मान्य राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा मध्य विद्यालय महोता के नाम से जो उच्चक्रमित होना है राशि भी निर्गत कर दी गई जैसे डेस्क बेंच शौचालय वॉशिंग हाथ धोने का सारा राशि महोता स्कूल के खाते पर भेज दिया गया है लेकिन ये डीओ के मनमानी और डीपीओ के मनमानी के द्वारा बैंक में चिट्ठी देकर राशि पर रोक लगा दी गई है। हमारे गांव में अत्यंत पिछड़ा 300 घर है। तांती जिसको पहले मंडल तांती कहते थे वह 300 घर है और रब्बोनी समाज जिसको हम लोग पहले कहार जाति बोलते थे रब्बोनी शुद्ध भाषा में रब्बोनी बोलता है वह 100 घर है। दलित भी है मेरे यहाँ और महादलित भी है। हम लोग भूमिहार यहाँ अल्पसंख्यक हैं। इन्हीं लोगों का बाल बच्चा यहाँ पढ़ेगा सबसे ज्यादा और इन लोगों ने ही निर्णय लिया कि अगर डीओ डीपीओ हमारा राशि रिलीज नहीं करता है तो हम लोग अनशन क्या आत्मदाह भी करने के लिए तैयार है। ये इन लोगों का कहना है दलित महादलित और अनुसूचित जाति का सर। और जब तक ये तो आज पहला झांकी है जब तक मेरा राशि रिलीज नहीं हो जाता है यहाँ से जिला तक में हम धरना प्रदर्शन और अनशन करेंगे और जब तक राशि रिलीज नहीं होगा लड़ाई जारी रहेगा सर। अमरपुर थाना क्षेत्र के सुरहा गांव स्थित बिलासी नदी पर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान बालू लदी एक ट्रैक्टर को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिलासी नदी से बालू माफियाओं द्वारा लगातार धरले से बालू लोड किया जा रहा है। सूचना मिलते ही अवर निरीक्षक बी के तिवारी एवं पुलिस बलों के साथ उक्त नदी पर छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस वाहन को देखते ही ट्रैक्टर चालक अपनी वाहन को छोड़कर फरार हो गए। मौके पर एक बालू लदी ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। जब्त ट्रैक्टर के संबंध में खनन पदाधिकारी को सूचना देते हुए कार्रवाई किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। बालू माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अमरपुर थाना क्षेत्र के अठमाहा गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में दबंगों ने एक युवक को पीटकर जख्मी कर दिया। जख्मी करण कुमार सिंह का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी ने बताया कि मेरे खेत में लगे फसल को गांव के ही सुमरसा अपने मवेशियों के द्वारा बर्बाद करा दिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो सुमरसा दिलीप शाह किशोर शाह समेत अज्ञात दो लोगों ने लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। मामले को लेकर जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है।